सर गाइस इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी गाइस कैसे हैं, ठीक ठाक होंगे उम्मीद है, क्योंकि आप मैथ्स समझ रहे हैं, अपने कंसंट्रेशन से समझेंगे, ठीक है। तो पेन और कॉपी उठाएं, अपने साथ रखें, कंसंट्रेशन से समझें, ठीक है। पर उससे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड हर चीज़ आप कंसंट्रेशन से सिंपली वे से समझ सकें। सो बी अटेंटिव, कंसंट्रेशन समझें, समझेंगे, समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल लेजी मत बने, एक्टिव बने एंड समझें। आइए समझते हैं आज की क्लास में 11 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। सेम प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 समझा था, उसी टाइप का, ठीक है, वो समझा था, ये भी समझ में आ गया है, वो सिंपल में ये भी आ जाएगा। अब देखिए कैसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन जो है 2 पावर 2x + 3, इसमें वेरिएबल जो है वो पावर में मौजूद है, सेम, ठीक है। 9 मल्टी डॉट मींस ये मल्टीप्लाई 2 पावर x + 1 = 0, कैसे बात समझिए, 9.2 पावर x, 9 डॉट मींस मल्टीप्लाई है तो देखिए वेरिएबल पावर भी मौजूद है सेम प्रोसेस जो प्रीवियस प्रॉब्लम में समझा था मगर यहां पर 2 पे जो दो पावर है दो टर्म प्लस हो रहे हैं तो पहले इन दोनों को सेपरेट करेंगे 2 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x प्लस 1 = 0, सही है, ठीक। इससे सिंपली पावर जो दो प्लस को अलग अलग कर दिया, बेस्ट सेम है, सही है। 2 पावर 2x सेम है, मल्टीप्लाई 2 पावर 3 = 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x + 1 = 0, सही है। सो हम नेक्स्ट स्टेप में 8 जो है इसको पहले लिखते हैं, 2 पावर 2x बाद में शिफ्ट किया क्योंकि वेरिएबल है, 2 पावर x + 1 = 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, सही है। अब इस क्या किया हमने, जस्ट वेरिएबल वाला टर्म अलग हो गया है, बाकी टर्म जो जैसे यहां पर इक्वेशन थी 2x + 3 + 3 को अलग कर दिया है, 2x अलग आ गया है, सही है। क्यों किया, क्योंकि वेरिएबल वाले टर्म अलग इसीलिए किए ताकि हम इसको मजीद सॉल्व इजीली कर सकें। अब कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, वो ये है कि वेरिएबल खुद पावर में मौजूद है, तो सपोज लेंगे, सपोज लेंगे ताकि सिंपल हो जाए। अब सपोज यहां पर 2 पे पावर 2x है, यहां पर 2 पे पावर x है, सपोज किसको ले, तो सपोज उस टर्म को लेंगे, समझते आ रहे हैं, हैजन में आपको नहीं है, ऐसे मत बने, याद रखिए हर चीज आ गया सर, हाँ, क्या जो वेरिएबल पे पावर, किसी नंबर के जो पावर है वो पावर छोटा जो होगा वो वेक्टर हम सपोज लेंगे, तो यहां पर 2x यहां पर x है, तो क्या सपोज लेंगे, जो छोटा पावर होगा मींस ये है p = 2 पावर x, ये सपोज लेंगे। अब ये तो सपोज आ गया, इसको कैसे मैनेज करें, 2 पे पावर 2x है तो मैनेज करेंगे हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे बाय स्क्वायरिंग r बोथ साइड, तो p पे स्क्वायर आ गया, 2 पे पावर x है इसका भी स्क्वायर हो गया, सो p² = 2 पावर x होल पावर 2, पावर पावर से होगा मल्टीप्लाई, x = 2 x हो जाएगा, सही है। अगर पावर पे पावर है तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, ठीक है। तो ये सेकंड 2 पावर 2 x टर्म आ गया, तो 2 पावर x जो स्मॉलर टर्म का पावर के हिसाब से उसको सपोज किया और उसको सिंपलीफाई किया, सेकंड वेरिएबल वाला टर्म आपके सामने है, ओके गाइस, आ गया, यहां तक समझ में, सही है, आगे मूव होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में ये x है 2 पावर 2x की जगह पे p स्क्वायर आ गया, माइनस 9 सेम है, 2 पावर x की जगह पे p आ जाएगा, +1 = 0, ठीक, इन वेरिएबल p में क्वांटिटी इक्वेशन। अब क्वांटिटी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल है, सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है, आप जीते बन गए होंगे, हर स्टेप क्वांटिटी इक्वेशन पे सॉल्व करते आ रहे हैं।
तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे यहां पर। तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे कैसे करेंगे, वो साइड में रफ कर देता हूं, 8p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ करेंगे, लिखा है 8p स्क्वायर इनटू 1 के साथ मींस 8p स्क्वायर। अब जो नंबर मिला है 8, इसके 8 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, 2 का टेबल 4 टाइम, 4 को 2 का टेबल 2 टाइम, 2 को 2 का टेबल 1 टाइम, सही है। तो ये फैक्टर्स मिले हैं, अब इन फैक्टर्स को मैनेज करेंगे ऐसे, दो फैक्टर बनाएंगे, दोनों फैक्टर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो आंसर मिले माइनस 9, 7 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिले प्लस 8, सही है। तो कैसे करते हैं देखें, 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड ये 1 आ गया, 8 को 1 के साथ प्लस करेंगे 9 हो गया, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 का 8 हो गया, सही है। मगर 9 माइनस का चाहिए, कोई बात नहीं है, दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं, माइनस 8 एंड माइनस 1 माइनस का है, sin 7 का नंबर प्लस करके आ रहा, प्लस करेंगे sin 7 आएगी, ओके ठीक। फाइन फैक्टर्स मिले, 8p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 1 मींस सिंपल p लिखेंगे इक्वल टू 0, माइनस 8 माइनस 1 तो माइनस 8p वेरिएबल लिखेंगे, माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मींस p वेरिएबल है, p मींस 1, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, 8 भी कॉमन है और p भी कॉमन है, p स्क्वायर एंड p, तो 8p स्क्वायर में 8p आ गया बाहर, बाकी सिंपली 8p रहेगा, सिंपली p जो p स्क्वायर है 8p आ गया, p आएगा माइनस यहां पर 1 बचेगा, क्योंकि 8p कॉमन लिया, सही है। अगर दोनों का में कुछ भी कॉमन नहीं है p एंड 1, तो क्या करेंगे, 1 कॉमन लिखेंगे, p नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव साइन है, तो माइनस इनटू प्लस करेंगे माइनस 1 7 इक्वल टू 0, सही है। तो किसी क्रम में अगर कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिखा जाता है, 1 लिखने के बाद कॉमन लेने के बाद अब p माइनस 1 फैक्टर कंप्लीटली कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म्स है, सही है। तो ये कंप्लीट कॉमन ले गया, सो p माइनस 1 कॉमन लेने के बाद यहां पर 8p आगे माइनस का 1 इक्वल टू 0, 8p माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। दो फैक्टर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड इक्वल टू 0 के हैं, ठीक है। अब दोनों फैक्टर्स 0 के हैं तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, 0 के 8p माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड p माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। तो आप देखिए p की वैल्यूज यहां पर माइनस 1 है इक्वल टू 1 प्लस का हो गया, सपोज वेरिएबल p की एक वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू 8p के साथ 1 माइनस में है तो साइड पे ये 1 प्लस में हो गया। अब p के साथ 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, 8 डिवाइड में हो गया, सही है। आगे तो वैल्यूज p की, p इज अ सपोजिशन वेरिएबल, ठीक है। अब एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड करनी है, वेरिएबल x हमारे पास है, x की फाइंड करेंगे, ये p तो सपोजिशन है, कह रहा कोई इशू नहीं है, p सपोजिशन वेरिएबल है, तो आप देखें p किसके इक्वल सपोज दिया है, वो टर्म टेक आउट करेंगे, उस जगह पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड रिक्वायर्ड वेरिएबल फाइंड करेंगे, सही है। ओके गाइस, समझते आ रहे कंसल्टेशन से, सही है, ठीक है। आगे मूव होते हैं, समझेंगे। सो नाउ टेक आउट टर्म करेंगे, p सपोज दिया गया 2 पावर x के, टर्म टेक आउट किया, अब इफ p की जगह पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं, p की जगह पे 1 आ गया इज़ इक्वल टू 2 पावर x, ठीक, x चाहिए, x पावर में है, तो अब देखें x पावर किस नंबर पे पावर में, 2 के पावर में, सही है। तो x चाहिए तो x मींस x जिस नंबर के ऊपर है वो नंबर यहां से हटाना पड़ेगा, तो यहां से 2 हटाना है, कैसे हटाए, तो ये 2 कब हटेगा, जब इस साइड पे भी 2 बेस में हो, तो 1 की जगह पे 2 कैसे ले आए, है ना बात थोड़ी टेक्निकल, सही है, कैसे जाए, है आपके जहन में कोई चीज नहीं,
हाँ तो आइए, आप देखिए वन की जगह पे मैं टू पावर जीरो लिख रहा हूं, लिख सकता हूं। किसी भी नंबर पे अगर पावर जीरो है तो उसका आंसर हमेशा वन रहता है, सही है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जीरो है तो उसका आंसर हमेशा वन होता है, सही है। तो इसीलिए वन की जगह पे टू पावर जीरो लिखा, टू पावर जीरो क्यों लिखा है, कहां, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स के जो बेस में नंबर है वो टू है, तो टू साइड पे सेम करना था, टू टू हो गया कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई जीरो, सही है। आगे का समझ में लिख सकते हैं, इसीलिए सिंपलीफाई कर सकते हैं, वन की जगह पे टू पावर जीरो लिख दिया, टू टू में कैंसिल, वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू उठाएंगे, वहां पर भी सॉल्व करेंगे। सेकंड वैल्यू पी क्यू है 1 डिवाइडेड बाय 8 दिया है, अब देखें यहां पे इसके हिसाब से क्या मिलती है वैल्यू, पी की जगह पे पी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 8 टू और एक्स है। अब सेम वही प्रोसेस एक्स पावर में है, 2 के पावर में, तो इसी साइड पे हमें 2 चाहिए, मैनेज करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 8, 8 मींस 2 पावर 3 लिख सकते हैं, सही है। 2 पावर 3 मींस 2 को 3 टाइम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई ईट आ जाएगा, तो 1 से 2 पावर 3 डिवाइड में है तो मत ऊपर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 पावर 3 जो है उसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। ऊपर क्यों चेंज किया, क्योंकि बेस सेम करना है, फ्रैक्शन में है तो मींस अलग-अलग चीज है, पावर चेंज हो गया। सो 1 मल्टीप्लाई पहले नंबर जो ही नंबर लेगा 2 पावर -3 इज इक्वल टू 2 पावर x, अब बेस हो गया सेम कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई -3, सही है। आगे बस समझ लो, ठीक है। सो बी अटेंटिव कंसंशियस से समझ जी, सिंपल था, सॉल्व किया, एक्स की दो वैल्यू 0 एंड -1, तो यही हमारा सॉल्यूशन है, लिख गए मैं इक्वेशन की वैल्यू, सो सॉल्यूशन से इक्वल टू पहले जो वैल्यू स्मॉलर है वो लिखेंगे एंड देन उसके जो बड़ी वैल्यू वो लिखेंगे, सही है। तो ये -3 0 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है गाइस। तो सिंपल था, उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा, समझे कंसंट्रेशन से सारे जो मसले हैं, जब कोई चीज समझते हैं उस टाइम पे सारे मसले जितने भी हैं जो भी है एक साइड पे हटा दें, अपने मसले को बोले फिलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, समझने दें, समझने के बाद उन सारे मसले जो बन लाए वो उनका मैटर है, सही है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ जाएगा, समझिए, प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स मींस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें, हर स्टेप आपको जहन में बैठ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा टकाटक बोलेंगे इसका आंसर ये होगा, सही है। तो ये आप अपना एक गोल बनाएं, मुझे समझना है, किसी भी हालत में समझूंगा, तो कोई ऐसी चीज नहीं आपको समझ में ना आ जाए। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, दोबारा नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी हमारी।